आज हम लोग जो है उद्देशिका के विषय में पढ़ेंगे। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहा जाता है और इसे प्रैम्बल भी कहते हैं। अब हम लोग उद्देशिका के संबंध में विचार करने से ये देखते हैं कि उद्देशिका को संविधान में क्यों रखा गया, उद्देशिका को संविधान में क्यों रखा गया, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसके पीछे उद्देशिका जो होता है या प्रस्तावना होता है, यह जैसे हमारे संविधान में रखा गया तो ये संविधान का आधारभूत चीज़ है और संविधान के जो है आदर्शों एवं आकांक्षाओं को जानने की कुंजी है। अगर हमें संविधान बनाने वाले उन महान आत्माओं के विचारों को जानना है तो हम कहाँ अध्ययन करेंगे, हम उद्देशिका का अध्ययन करेंगे। इसलिए जो है हमें जो है ये उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान में रखना पड़ा। ठीक, तो जो है उद्देशिका रखने का कारण संविधान में क्या था, यह संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की जो है कुंजी है और संविधान के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में यह सहायक है। इसलिए जो है प्रस्तावना को हमें संविधान में रखना पड़ा। अब दूसरा यह विचार आता है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया। तो प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। विश्व में सबसे पहले किसी संविधान में अगर प्रस्तावना या उद्देशिका को स्वीकार किया गया तो अमेरिका से। तो ये विचार जो है हमारे अपने संविधान में प्रस्तावना को रखने का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया। अब हमारे जो प्रस्तावना है इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत जो है वो जो है 13 नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत 13 दिसंबर तारीख याद रखिए, 13 दिसंबर सन 1946 को नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वही जो है हमारे जो है प्रस्तावना का स्रोत बना। साथ ही हमारे जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। जो नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। तो हमारे जो है प्रस्तावना, जो उद्देशिका या प्रस्तावना है इसका स्रोत क्या है, तो नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जो विचार उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वही इसका स्रोत है। साथ ही भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। आगे हम देखते हैं कि जो है प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है, तो मात्र एक बार। कितनी बार किया गया है प्रस्तावना में संशोधन, तो मात्र एक बार किया गया है और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को प्रथम पैरा में और अखंडता को छठे पैरा में रखा गया। तो आपको याद करना है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, एक बार किया गया है। किस संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन। किस वर्ष, 1976 में। किस वर्ष, 1976 में। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष प्रथम पैरा में, अखंडता छठे पैरा में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, तो इस पर न्यायालय में 2 वाद आए। पहला वाद या पहला मामला क्या था, तो पहला मामला था बेरुबाड़ी मामला, जो कब आया, 1960 में। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। अगर संविधान में हमें जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का या उनकी प्रेरणा को जानने का ये स्रोत तो हो सकता है, प्रेरणा स्रोत हो सकता है, परंतु अभिन्न अंग नहीं है। साथ ही बेरुबाड़ी मामले में अगर कहा कि संविधान की भाषा कहीं संदिग्ध है, भाषा कहीं संदिग्ध है, तो ये आधार हो सकता है प्रस्तावना। संविधान का आधार जानने, किसी संदिग्ध भाषा को जानने का आधार प्रस्तावना हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। किस मामले में, बेरुबाड़ी मामले में। किस वर्ष, 1960। यानी अगर आपसे सवाल ये पूछेगा
कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, तो वो कहा था बेरुबारी मामले में किस वर्ष 1960 में। लेकिन इसके 13 वर्ष बाद दूसरा मामला आ गया और वो मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसने इस मामले को पलट दिया और इसने कहा प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, परंतु इसमें संसद संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संसद इसमें संशोधन कर भी सकती है, लेकिन वो संशोधन सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक संशोधन नहीं। सकारात्मक का अर्थ है कि उसमें जो विचार निहित है, जो उसके मूल भाव निहित है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसी में जो है इसको प्रस्तावना को केशवानंद भारती मामले में ही प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा भी घोषित किया गया। किस मामले में? केशवानंद भारती मामले में, किस वर्ष 1973 में। तो ये बेरुबारी मामला और केशवानंद भारती मामला दोनों आप जो है आपको याद रखना है। बेरुबारी मामला 1960, केशवानंद भारती मामला 1973। बेरुबारी में संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, लेकिन केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा भी घोषित किया गया। किस मामले में? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, किस वर्ष 1973। साथ ही हम ये देखते हैं कि एक विद्वान है जो है संविधान सभा के विद्वान थे, जो है ये जो है इन्होंने जो है प्रस्तावना को क्या कहा? राजनीतिक जन्मपत्री। तो राजनीतिक जन्मपत्री से प्रस्तावना को कौन कहा है? के एम मुंशी राजनीतिक जन्मपत्री। राजनीतिक जन्मपत्री के एम मुंशी कौन कहा है? के एम मुंशी राजनीतिक जन्मपत्री। आगे हम देखते हैं एक विद्वान सुभाष कश्यप जी है, जिन्होंने कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। संविधान शरीर, उद्देशिका उसकी आत्मा, जो है सुभाष कश्यप। राजनीतिक जन्मपत्री के एम मुंशी, राजनीतिक जन्मपत्री के एम मुंशी। संविधान का प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। स्रोत क्या है? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव, साथ ही ऑस्ट्रेलिया का संविधान जिससे उसकी भाषा ली गई है, साथ ही संशोधन कितनी बार? एक बार। किस संशोधन? 42वां। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी और पंथनिरपेक्षता प्रथम पैरा में और अखंडता तीसरे पैरा में रखा गया है, छठे पैरा में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, के एम मुंशी राजनीतिक जन्मपत्री और सुभाष कश्यप जो है संविधान शरीर है, उद्देशिका उसकी आत्मा है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो है उद्देशिका या प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगर पूछे आपसे कोई, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है कि जो है उद्देशिका या प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के? 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगर पूछे स्वतंत्रता कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 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 यानी न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। और जो है स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। साथ ही समानता कितने प्रकार का है प्रस्तावना में? तो 2 प्रकार का। समानता कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। एक बार फिर से रिवीजन करिए, जो है न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और समानता कितने प्रकार का? प्रतिष्ठा और अवसर। समानता कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे हम देखते हैं प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ क्या है। तो पहला हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना में आया है हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य है संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। हम भारत के लोग का तात्पर्य है कि जो है संविधान का मूल स्रोत कौन है? भारत की जनता है।
संविधान का मूल स्रोत अगर पूछे कि कौन है तो भारत की जनता है, और सारी शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। सारी शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है। अर्थात अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत की संप्रभुता भारत के जनता में निहित है। इसका तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का अगर अर्थ यह है कि संविधान का मूल स्रोत क्या है? भारत की जनता। और भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। समस्त शक्ति का केंद्र बिंदु कौन है? भारत की जनता। संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता, समस्त शक्ति का केंद्र बिंदु भारत की जनता, और संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग का ये तात्पर्य है। अगला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये प्रस्तावना में अगला शब्द है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो हम अपने सभी आंतरिक एवं बाह्य मामले, जो भी इस देश की मामले हैं अंदर के, और जो हमें किस देश से संबंध बनाना है, किस देश से संबंध नहीं बनाना है, किससे हमें अच्छा संबंध रखना है, किससे हमें अच्छा संबंध नहीं रखना है, इन सब मामलों में भारत सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इन सब मामले में भारत सरकार निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है कि भारत अपने सभी आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी शक्ति या सत्ता के अधीन नहीं है। अर्थात भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने चाहे आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, सब में हम निर्णय लेने के लिए आजाद हैं, स्वतंत्र हैं। हम अपना निर्णय ले सकते हैं, हम किसी दबाव में या किसी व्यक्ति के दबाव में, किसी देश के दबाव में, किसी संस्था के दबाव में, किसी समाज के दबाव में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। अर्थात भारत सरकार पूर्ण स्वतंत्र है, वह किसी भी देश के साथ जो है एक स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकता है। अगला देखते हैं समाजवादी। समाजवादी शब्द आप जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह शब्द जो है समाजवादी, तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष प्रथम पैरा में और अखंडता छठे पैरा में रखा गया था। किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान। यानी अगर आपको ये याद करना होगा कि मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक, अब समाजवादी का अर्थ क्या है? तो समाजवादी सबसे पहले ये याद रखना है भारत में कैसा समाजवाद है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। यहाँ साम्यवादी समाजवाद नहीं है, कार्ल मार्क्स का समाजवादी समाजवाद नहीं है, यहाँ समाजवाद का प्रकार क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद, कल्याणकारी समाजवाद। साथ ही और इसीलिए समाजवादी जो ये भावना है जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसीलिए भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को सन 1956 के दूसरे औद्योगिक नीति में कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को, जिससे कि जो है किसी भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र का भी योगदान हो और सार्वजनिक क्षेत्र का भी योगदान हो। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर? लेकिन आज उदारीकरण के युग में ये कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। हम धीरे धीरे किधर बढ़ रहे हैं? पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर गरीब का कल्याण होना है तो हमें ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जारी रखना होगा। अगला शब्द देखते हैं पंथ निरपेक्षता। हाँ, साथ ही देखते हैं समाजवादी में एक विशेष ध्यान दिया जाता है कि धन का संकेंद्रण कुछ निश्चित हाथों में न हो। धन का संकेंद्रण कुछ निश्चित हाथों में न हो, धन का संकेंद्रण निश्चित हाथों में न हो, ये समाजवाद का मूल भाव है। समाजवाद का मूल भाव है। तो समाजवाद में उन समाजवादी शब्द कब आया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है और साथ ही यह मिश्रित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, और यह ध्यान रखा जाता है कि धन का संकेंद्रण कुछ निश्चित हाथों में न हो,
जो है, अगर देश की आय बढ़ती है तो प्रत्येक जनता की भी आय उसी रेशियो में बढ़नी चाहिए। यही है हमारा समाजवाद, सबका कल्याण हो, पूरे समाज का कल्याण हो। अगला शब्द हम देखते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता दो शब्द आते हैं, धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। भारत में जो यूरोपीय देश हैं वहाँ धर्म निरपेक्षता है, लेकिन हमारे यहाँ का क्या शब्द यूज किया गया, पंथ निरपेक्षता। अगर धर्म निरपेक्षता में देखेंगे तो वहाँ जो है निषेधात्मक विचार है, लेकिन पंथ निरपेक्षता जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में शब्द निहित है, यह जो है ये सकारात्मक विचार है। इसका तात्पर्य क्या है, धर्म विशेष को, किसी भी विशेष धर्म को राजधर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा। किसी विशेष धर्म को राजधर्म का दर्जा नहीं है, किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं है, बल्कि राज्य तटस्थ भाव से सभी धर्मों का समान जो है संरक्षण करेगा। राज्य किसी धर्म को विशेष राज्य धर्म का दर्जा नहीं देगा, साथ ही सभी धर्मों का तटस्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से समान संरक्षण देगा, और साथ ही राज्य में धर्म एक वैयक्तिक विषय है। ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म क्या है, राज्य का विषय नहीं, धर्म एक व्यक्ति विशेष का विषय है, और हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार पूजा करने, उपासना करने के लिए स्वतंत्र है। राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है, धर्म विशेष को राजधर्म का मान्यता नहीं दिया गया है, बल्कि सभी धर्मों का तटस्थ भाव से समान संरक्षण है, और राज्य में धर्म एक वैयक्तिक विषय है, एक व्यक्ति का विषय है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग विषय है, ये समाज या राज्य का विषय नहीं है। राज्य केवल समान संरक्षण देता है, सभी धर्मों को फलने फूलने का अवसर प्रदान, समान अवसर प्रदान करता है। अब आगे देखते हैं हम लोग गणराज्य। गणराज्य का तात्पर्य ये होता है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतांत्रिक देश है कि जो राष्ट्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति है वो आनुवांशिक नहीं होगा, वो निर्वाचित होगा। गणराज्य का तात्पर्य क्या है, राष्ट्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है राष्ट्र का, राष्ट्रपति। जो आनुवांशिक नहीं है वो क्या है, जो है निर्वाचित होता है, हर 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। हम देखते हैं कि ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश है लेकिन गणराज्य नहीं है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ महारानी है जो आनुवांशिक हैं, लेकिन हमारे देश में राष्ट्र का सर्वोच्च व्यक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, जो आनुवांशिक नहीं है, निर्वाचित होते हैं, इसलिए हमारा देश गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य जो प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य का कल्याणकारी शब्द आया है, इसका तात्पर्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का तात्पर्य यह है कि सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी लोगों का हित हो, और सभी लोगों का जो है सब लोग सुखी रहें, सभी का हित हो, सभी लोग सुखी रहें। ये किसका तात्पर्य है, कल्याणकारी राज्य का। अब हम देखते हैं कि संविधान सभा में जो है संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। इसलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, विधि दिवस। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, विधि दिवस। अब एक बार एक मिनट के लिए हम लोग सारा रिवीजन कर लेते हैं। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कौन कहा, ठाकुर भार्गव दास। संविधान को प्रस्तावना, प्रस्तावना को संविधान का जो है संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कौन कहा, प्रस्तावना को संविधान का, संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव दास ने कहा था, और डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा। संविधान में प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया, तो अमेरिका से। हमारे प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव। साथ ही प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो मात्र एक बार, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा तीन शब्द जोड़े गए, कौन कौन? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है या नहीं है, इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट में दो मामले आए। पहला बेरुबारी मामला 1960 में, जिसमें ये बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। उसके 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला आया, जिसमें ये बात कही गई कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन उसके मूल भाव को बदला नहीं जा सकता, यानी सकारात्मक संशोधन किया जा सकता है, नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये सब जो है हमारे जो है उद्देशिका से संबंधित जो है तथ्य हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।